हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन योर चैनल फोकस सिविल वर्क। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं क्वांटिटी फॉर किसके लिए, इंटरलॉकिंग ब्रिक के लिए, और जैसे हम इंटरलॉकिंग टाइल्स भी बोलते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि जो हम उस रोड वर्क में यूज़ करते हैं, गलियों में बिछाते हैं इसको, ठीक है, पार्क वगैरह में इसको बिछाते हैं, आपने देखा तो होगा। लेकिन इसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो शायद आपको नहीं पता हो, और वो पता आपको इस वीडियो में चल जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा टिपिकल होता है। जो नॉर्मल ब्रिक होती है, जो वॉल में यूज़ होती है, बिल्डिंग में यूज़ होती है, दीवार वगैरह में, तो वो निकालना थोड़ा आसान है, लेकिन ये इसकी क्वांटिटी निकालना थोड़ा ही टिपिकल है। तो आई होप आपको इस वीडियो में इसकी पूरा क्लियर हो जाए कि हम इसकी कैसे क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और जो जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें। इससे क्या होगा, हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, और जो कि हम हर दिन एक सिविल वर्क से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो वीडियो पे चलते हैं, जिसमें आप पहले दिखाता हूँ आपका साइज क्या है। तो देख लीजिए, साइज जो है वो क्या है, वो 200 बाय 200 बाय 200 mm बाय 160 mm इसकी जो है वो ग्रॉस एरिया है, ठीक है दोस्तों। अब जो ये है, इसमें क्या होता है, इसकी जो ये अंदर की थिकनेस होती है वो 120 mm होती है, ठीक है, और जो हमारा ये जो गैप होता है वो हमारा 80 mm होता है, और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक गैप होता है वो हमारा 120 mm होता है, ठीक है दोस्तों। तो वो ये सब इसका जो है वो ये टिपिकल है कि इसमें कैसे क्वांटिटी निकलती है। तो देखिए, ये सब तो इसका हो गया, अब मैं आपको बता दूँ उसका जो थोड़ा प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी है, तो वो कैसे निकलेगा वो सब आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले जैसे कि आप देख लीजिए, जिसमें कि आपको ये सब दिख रहा है, जैसे कि आप देखिए, पहले तो हम निकाल रहे थे इसका ग्रॉस एरिया कितना है। तो ग्रॉस एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यानी कि जैसे कि हम 200 खैर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते, तो 0.2 × 1.16, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा ये जो एरिया आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा, हम जैसे कि हमें इसमें निकाल रखा है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसको नेट एरिया, अब ये तो एरिया हमारा ग्रॉस हो गया, लेकिन ये डिडक्शन भी तो होगा ना, ये एरिया कैसे डिडक्शन करेंगे जब भी तो हमारी क्वांटिटी निकलेंगी ना, तो वो सब इसमें आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देखिए, कैलकुलेशन फॉर एरिया ऑफ इंटरलॉकिंग ब्रिक, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए, मैंने बनाया, अभी देख लीजिए, ठीक है, ये इसका मैंने पूरा वो बना दिया प्लान। अब देखिए, ये जो है हमारा कितना, ये 120 mm हमारा इसमें दिया हुआ है। पहले तो आप इसको देख लीजिए पूरा कि हमारी कितनी है, एक बार क्लियर करके, जैसे 120 हमारा ये हुआ है, इसको एक बार देख लीजिए कि हमारा कैसे कैसे इसका डायमेंशन है। 120 हो गया, और 160 हो गया, 120 180, आपको देख लेना, ठीक है, वीडियो पॉज रोक के देख लेना। अब ऐसे हमारा क्या है, ये 120 है, ठीक है, और ये हमारा 80 दिया हुआ है, यहाँ से और यहाँ तक 80 दिया हुआ है। अब ये 80 दिया हुआ है और ये 120 है, तो यानी कि ये 20 mm होगा ये, ठीक है, ये तो 20 mm होगा, जाहिर से क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये हमारा 20 mm और ये हमारा कितना है, ये हमारा 160 mm दिया हुआ है। अब 160 हमारा दिया, तो 20 हमारा अंदर, 120 mm हमारा ये अंदर अंदर का है, तो जाहिर सी बात है कि 20 हमारा mm ये है, 20 mm हमारा ये है, तो यानी कि 120 और 20 40 और प्लस 120 हमारे हो गए 160 mm, ठीक है। अब ऐसे क्या करना, अब ये जो डिडक्शन है, इस डिडक्शन तो जब ही करेंगे ना, जो हमें इसे डिडक्शन का एरिया पता होगा कितना होगा, तो वो प्रोसेस है। अब देखिए, पहले तो आप हमें इसे ले लीजिए, एक ये है और एक ये है, दो दो, और ऐसे ये तीन और ये चार, ठीक है, ये चार ये तीन, ठीक है, और ये एरिया हमारा रेक्ट होगा दो एक एक दो। तो पहले हमने इस ट्राइंगल कर लेते हैं, ठीक है, हमने एक एक ये ले लिया कोई से भी, तो हमने क्या, हमारा ये तो 20 हो गई, यानी कि 120 में से हम ये 20 करेंगे, 80 करेंगे, 100 और ए प्लस 120, तो ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा 20 आ गया। अब 20 ये आ गया हमारा, ऐसे ही हमारा ये 20 आ गया। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे अलग, जैसे कि हम देख रहे हैं 20 बाय 20, ठीक है। अब इसका ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, ट्राइंगल का होता है 1/2 × 2 × 2 perpendicular into base। अब परपेंडिकुलर हमने दो का निकाला, ठीक है, अब ये दो से दो कट जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये सिर्फ 20 20 हो जाएगा, तो 20 × 20 = 400 mm, ठीक है। ऐसे हमने इसका एक दो का निकाल लिया, यानी कि इसका दो का निकाल लिया है, ठीक है, ये इंटू टू हो रहा है, देखा आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, रेक्टेगुलर का निकालेंगे, ये हमारा एक रेक्टेगुलर का निकाल लेते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमारा कितना हो जाएगा, 80 80 + 2 हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, 1600 1600
हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमने आप इसमें देख लिए फॉर्मूले बताइए, देखिए अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी। तो अब हमने क्या निकाला था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का निकाला था तो 20 × 80, जैसे कि आपने वीडियो में देखा था, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था, वो दो दो के लिए निकाला था तो 20 × 20, यानी कि हमारा परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब हमारा क्या, दो के लिए निकालना है, दो ये हमारा ये भाग हो गया हमारा। अब इसको सेक्शन को देख लीजिए, आप इधर का निकालना है, ठीक है। अब ये जो ये एक ये हो गया है, एक ही हो गया, इसलिए हमने 1 2 लिखा, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा हमारा 20 × 20, ऐसे हमारा 80 × 20, ठीक है। अब 2 हमारा क्या है, बाहर है, क्योंकि हमें ये इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए निकालना है। तो हमारा अब इसको हम कर लेंगे 20 और 80 को कैलकुलेशन कर ली इसकी, तो 1600 + 20 × 20 हमारा कितना हो गया, 400। अब हम ये क्या है, 2000 हो गया हमारा, ठीक है, 1600 + 400 2000। अब हमारा 2 तो है क्योंकि हमने ये इसका निकला है ना, अभी ये भी तो है, तो हम इसलिए इसको इंटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 4000 हो गया हमारा, ठीक है। अब ये है हमारा एमएम स्क्वायर में है, ठीक है, जितना भी प्रोसेस चले एमएम में। अब इसको मीटर में, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, एक अगर एमएम होता है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एमएम स्क्वायर है तो 1000 से, अगर एमएम होता है सॉरी, तो उसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सॉरी, तो उसे हम मीटर में कर लेते हैं। अब हमारा एमएम स्क्वायर है तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 × 1000, तो कितना हो जाएगा, 0.002। अब हमारा आ गया ये डिडक्शन एरिया, अब डिडक्शन एरिया ये आ गया, तो हम कैसे करेंगे इसको, 0.002 ग्रोस एरिया में से माइनस कर देंगे, तो हमारा ग्रोस एरिया कितना था, 0.32 - 0.004, तो हमारा कितना आ जाएगा, नेट एरिया जाएगा 0.028, ठीक है, हमारा ये आ गया इस ब्रिक का पूरा नेट एरिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमारा जो है कि इंटरलॉकिंग ब्रिक एरिया है हमारा रोड का, रोड एरिया 100 m² क्वांटिटी निकालेंगे इंटरलॉकिंग ब्रिक की, 100 × 0.2838, अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 / 0.028 हमारा आ जाएगा 3571 इंटरलॉकिंग नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो क्वांटिटी होगी सारी निकलेगी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।